तो कैसे हैं आप लोग तो कैसे एक शर्मीला लड़का जो घर से बाहर तक नहीं निकलता था बन गया इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, और किस तरह अकेले दम पर सिर्फ एक वीडियो से उसने इंडिया की पूरी टिकटॉक इंडस्ट्री ही तबाह कर दी। तो आइए जानते हैं अजय नगर के कैरी मिन्नाटी तक के सफर के बारे में। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। साल 1999 में हरियाणा के फरीदाबाद शहर में विवेक नगर के घर अजय या कैरी मिन्नाटी का जन्म हुआ। कैरी मिन्नाटी के पिता विवेक नगर काफी अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। शुरुआती दिनों में उनकी परवरिश अपने भाई यश के साथ हुई, जिन्हें आज काफी लोग विली फ्रेंजी के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही अजय काफी ज्यादा शर्मीले थे और वो दोस्तों के साथ बाहर खेलने तक नहीं जाते थे। उनका मन हमेशा से ही घर के अंदर ही वीडियो गेम्स और अपने पीसी पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में ही लगता था। एक दिन यूट्यूब पर उनकी नजर एक फुटबॉल ट्यूटोरियल चैनल पर पड़ी। इन वीडियो को देखकर अजय को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, जिसके बाद साल 2010 में सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना खुद का YouTube चैनल स्टेल्थ फेयर्स के नाम से लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने फुटबॉल की ट्रिक्स और ट्यूटोरियल डालना शुरू किया और वो एक के बाद एक फुटबॉल ट्यूटोरियल डालते चले गए। पर उस टाइम पर फुटबॉल ट्यूटोरियल काफी लोग डाल रहे थे, इसलिए 4 सालों तक लगातार वीडियोस डालने के बावजूद भी उनकी एक भी वीडियोस नहीं चली। इस वजह से कैरी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, जिस वजह से अजय ने थोड़े दिन के लिए यूट्यूब से ब्रेक लिया। इसी बीच एक दिन उनके फ्रेंड ने उनको एक वीडियो सेंड करी, जिसमें गेम स्ट्रीम करते वक्त एक यूट्यूबर कमेंट्री कर रहा था। अजय को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई, इस वजह से उन्होंने एक नया चैनल एडिक्टेड A1 के नाम से बनाया, जहां पर अजय ने गेम खेलते खेलते कमेंट्री और साथ ही शाहरुख खान और सनी देओल की मिमिक्री करना भी शुरू किया। अरे चुप, मेरा घर है ये, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर कोई भी गेम प्ले वीडियोस यूट्यूब पर नहीं देखता था, इसलिए उनकी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए और एक बार फिर से उनको निराशा ही देखनी पड़ी। जिसके बाद अजय की नजर लीफी इज हेयर नाम के अमेरिकन यूट्यूब चैनल पर पड़ी, जहां पर लीफी गेम प्ले के साथ साथ लोगों को रोस्ट करते थे। अजय को फिर से एक बार इंस्पिरेशन मिली और इसलिए उन्होंने अपने चैनल का नाम एडिक्टेड A1 से कैरी देओल रख लिया और लोगों को रोस्ट करना शुरू किया। उनकी इस नए तरह की वीडियो को उनके व्यूअर्स ने काफी ज्यादा पसंद किया, जहां पर वो एक तरफ नए कंटेंट क्रिएटर्स और अजीबोगरीब वीडियो डालने वाले को रोस्ट कर रहे थे। वहीं साल आया 2016 का, जब कैरी ने अपने चैनल का नाम कैरी देओल से फाइनली कैरी मिन्नाटी रख लिया। हालांकि उस टाइम पर भी कैरी मिन्नाटी का चैनल धीरे धीरे ही ग्रो कर रहा था, पर आखिरकार जाकर कैरी ने उस टाइम पर इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बीबीकी वाइंस को रोस्ट कर दिया। 7 मिनट की बीबीकी वाइंस के बारे में भगुन भाव भुगुन भाव भुवन बाम की वाइंस, यस। जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। कैरी की वीडियो कुछ ही दिन में वायरल हो गई, जहां एक तरफ बीबीकी वाइन के सब्सक्राइबर कैरी से नाराज होकर उनके अगेंस्ट ही खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ इस कंट्रोवर्सी की ही वजह से कैरी ने अपने पहले 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। पर फिर भी भुवन भम ने इस वीडियो को काफी ज्यादा स्पोर्टिंगली लिया, जिसके बाद जाकर कैरी को ये तो समझ में आ गया था कि जनता उनसे किस तरह का कंटेंट चाहती है। इसलिए कैरी ने उसी महीने और चेहरे जैसे परदेसी गर्ल, ढिंचक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा और दीपक कलाल तक को रोस्ट कर दिया। धीरे धीरे कैरी मिन्नाटी की वीडियोस के व्यूअर्स बढ़ते जा रहे थे और वक्त आया कैरी के 12th बोर्ड एग्जाम का। और क्योंकि उन्होंने साल भर अपना टाइम यूट्यूब वीडियोस बनाने में दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए अपने इकोनॉमिक्स के पेपर से एक दिन पहले वो अपने फादर के पास गए और उनसे अपने परेशानी बताई कि उनसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी और वो अपना करियर यूट्यूब पर ही बनाना चाहते हैं। जिसके बाद उनके फादर ने भी उनको सपोर्ट किया और उन्हें अपने सपने पूरे करने की इजाजत दे दी। और फिर कैरी ने पूरी लगन से फुल टाइम ही यूट्यूब पर वीडियोस डालना शुरू किया। पर कैरी को शायद ही पता था कि कैरी का यूट्यूब का सफर काफी कठिनाइयों से भरा होने वाला है। कैरी मिन्नाटी के चैनल पर लगातार स्ट्राइक्स आना शुरू हो गई, जब उन्होंने बाप ऑफ बकचोद और बाबा साइगल के गाने का रोस्ट किया।
जिसकी वजह से ये क्रिएटर उनसे नाराज हो गए और उनके चैनल पर स्ट्राइक्स दे मारी। पर बड़ी कोशिश और फैंस के सपोर्ट के बाद जाकर उनकी स्ट्राइक हट पाई। साल 2017 में कैरी मिनाटी ने एक नया चैनल कैरी इज लाइव लॉन्च किया, जहां वो सिर्फ गेम स्ट्रीम की वीडियोस डालते हैं और अपने फैंस के साथ लाइव वीडियोस में इंटरैक्ट भी करते हैं। साल आया 2020 का जब कैरी मिनाटी ने एक वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड अपलोड करी, जहां उन्होंने टिकटॉक के क्रिंज कंटेंट को रोस्ट किया। 8 साल की बच्ची अपने मम्मी के फोन पे टिकटॉक देख रही है, उस बच्चे के हाथ में फोन पूरा आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन यूं 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 ये जरूर हो रहा है। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला भारी नहीं आ। ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इंडिया की सबसे ज्यादा लाइक्ड वीडियो तक बन गई। यही नहीं बल्कि इस वीडियो की ही वजह से ही ऐप स्टोर पर टिकटॉक ऐप की रेटिंग 4+ से 1 तक रातों रात गिर गई और ट्विटर पर हैशटैग कैरी मिनाटी रोस्ट वीडियो तक ट्रेंड करने लगा। पर टिकटॉकर्स की कंप्लेंट के बाद यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन इस वीडियो ने कैरी मिनाटी की छवि इंडिया में पूरी तरह से बदल दी और 26 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ वो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए। जिसके बाद जाकर उसी साल कैरी मिनाटी ने अपने भाई विली फ्रेंजी के साथ मिलकर यलगार गाना लॉन्च किया। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जो कि सुपर हिट हो गया, जिसपे अब तक 328 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। कैरी मिनाटी की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर ही उन्हें मिशन इम्पॉसिबल मूवी के प्रमोशन के लिए टॉम क्रूज से मिलने का स्पेशल इनवाइट तक मिल चुका है और वो आज भी एक से बढ़कर एक वीडियो रोस्टिंग की अपलोड करते रहते हैं। इस टाइम पर कैरी मिनाटी के पास 38 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है, जो इन्हें इस टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।